हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल टेक वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं अपना लेक्चर 7 टेस्ट एंड यू फ्रेमवर्क का। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए। तो ये मेरी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि ग्रुप्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग टेस्ट एंड यू फ्रेमवर्क में। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको नाम भी समझ में आ रहा होगा, जनरली अ ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, हमारे बहुत सारे पीपल्स होते हैं, मीन्स कलेक्शन ऑफ एनी थिंग इज कॉल्ड ग्रुप। ओके फ्रेंड्स, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप। तो ऐसे ही क्या होता है, अब जब हम टेस्ट एंड यू फ्रेमवर्क करते हैं फ्रेंड, तो उसमें क्या होता है, हमारे मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल टेस्ट केस को अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में असाइन करना हो, सपोज करो हम लोगों की बहुत जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो टेस्टिंग होती है वो हमारी वेरियस टाइप की टेस्टिंग होती है, जैसे स्मोक टेस्टिंग हो गई, रिग्नेशन टेस्टिंग हो गई, सिस्टम टेस्टिंग हो गई, या सैनिटी टेस्टिंग हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो अब क्या है, हमारे पर्टिकुलर टेस्टिंग में क्या होता है, हमारे बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं। तो अब किसी भी, सपोज़ करो देयर आर 5 टेस्ट केसेस हैं हमारे किसी भी टेस्टिंग टाइप में। सपोज़ करो आपको रिग्रेशन टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने हैं जिसमें हमारे 10 टेस्ट केसेस हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 10 टेस्ट केसेस हैं वो हमारे एक रिग्रेशन टेस्ट केस के अंदर लाई करेंगे। और जो हमारा ग्रुप का एक, अगर अपन एग्जांपल के तरीके से देखें, तो रिग्रेशन टेस्ट क्या होगा, हमारा एक ग्रुप का नाम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप को इंप्लीमेंट करते हैं। वो देखते हैं हम लोग अपने स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, क्या सिंटैक्स है, कैसे हम लोग रन करते हैं, तो वो देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किस एट द रेट टेस्ट एनोटेशन लिखते हैं। ये तो आपको पता ही है कि एट द रेट टेस्ट एनोटेशन क्या काम करता है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो है आप उसमें जाके देख सकते हैं, मैंने स्पेसिफिक एनोटेशंस के बारे में 1 by 1 कवर किया है, और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरी सारी वीडियो हिंदी वीडियोज़ जो या लेक्चर जो भी हैं वो प्रॉपर हिंदी में है। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो सपोज़ करो ये मेरा एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप का सिंटैक्स लिखते हैं। अब ग्रुप का सिंटैक्स हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे सपोज़ करो ये हमारा ग्रुप्स है, देन ग्रुप्स इक्वल टू, और ये हम लोग ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इसके अंदर हम लोग ग्रुप का नाम लिखते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, जैसे रिग्रेशन टेस्ट हो गया या फिर सैनिटी टेस्ट हो गया, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर ग्रुप का नाम दिया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अब देखो, अब क्या होता है, इसमें आप एक टेस्ट केस को मल्टीपल ग्रुप भी असाइन कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हैं, सपोज़ करो जो एक टेस्ट केसेज है वो आप एज अ रिग्रेशन टेस्ट में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर सैनिटरी टेस्ट में अगर आपकी नीड है तो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उस टेस्ट केस को दो ग्रुप भी असाइन कर सकते हो। सपोज़ करो, या फिर आपकी कोई नीड है कि आपको एक टेस्ट केस को दो बार टेस्ट करना है, एज अ सैनिटरी टेस्टिंग, या फिर एज अ रिग्रेशन टेस्टिंग, या फिर एज अ अल्फा टेस्टिंग, या फिर एज अ बीटा टेस्टिंग, तो आप उस पर्टिकुलर टेस्ट केस को उस पर्टिकुलर ग्रुप के नेम से असाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एक टेस्ट केस को मल्टीपल ग्रुप असाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा ग्रुप का सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या मतलब, हम लोग इस तरीके से हम लोग ग्रुप को क्या करते हैं, पर्टिकुलर टेस्ट केस को ग्रुप असाइन करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक टेस्ट केस है, मैसेज नाम का एक मेथड है, मींस ये क्या करेगा, डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, जस्ट इन मैसेज डिस्प्ले कर रहा है डेमो ग्रुप फंक्शनैलिटी। और ये जो टेस्ट केसेज है वो हमारा दो ग्रुप के अंदर लाई कर रहा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ओके फ्रेंड, ये सिंटैक्स का आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये कर्ली ब्रेसेस आते हैं, देन उसके अंदर डबल इन्वर्टेड डबल कोट्स आते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप का नाम लिखते हैं, और मल्टीपल्स ग्रुप हैं तो आप उसको सेपरेट करेंगे कॉमा से। ओके फ्रेंड, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ग्रुप जब आप लिखें या फिर किसी टेस्ट केस को असाइन करें तो आप ये सिंटैक्स का बहुत ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही मेरा दूसरा टेस्ट केस है जिसमें मैं ब्राउज़र को लॉन्च कर रहा हूँ, ये मेरा ग्रुप ए के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप को क्या करते हैं, असाइन करते हैं, मीन्स पर्टिकुलर टेस्ट केस पर्टिकुलर ग्रुप को क्या करते हैं, असाइन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ऐसे ही मेरा ये आफ्टर ग्रुप है या बिफोर ग्रुप है, ये एक एनोटेशंस है। तो अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखो, उसमें मैंने सारा बताया है प्रॉपर कि क्या आफ्टर ग्रुप कैसे वर्क करता है, बिफोर ग्रुप कैसे वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर। तो क्लास क्या मतलब, ये मेरी XML फाइल है। जैसा कि आपको पता है कि जब आप टेस्ट एंड यू फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करते हैं, तो जैसे ही आप टेस्ट एंड यू फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट XML फाइल जनरेट होती है। तो ये वही वाली हमारी क्या है, XML फाइल है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं हम लोग ग्रुप को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो ग्रुप होते हैं वो हम दो तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, एक अपना सूट लेवल पे कर सकते हैं, एक हम लोग क्लास लेवल पे कर सकते हैं, मतलब मीन्स टेस्ट लेवल पे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सूट लेवल का मतलब क्या होता है, सूट लेवल पे मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट। अब ओवरऑल प्रोजेक्ट में हमारी जितनी भी क्लासेज आती हैं, क्लासेज इनका जितने भी टेस्ट केसेज आते हैं, तो वो ओवरऑल के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब मान लो यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट केसेज हैं, कुछ टेस्ट केसेज ऐसे भी हैं जिसको आपको ग्रुप असाइन नहीं किया है,
ठीक है। तो अगर आप सूट लेवल पे रन कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो वो सारे क्या होंगे, सारे टेस्ट केसेस रन होंगे। अगर आप पर्टिकुलर टेस्ट केस पे क्या कर रहे हैं, ग्रुप को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टेस्ट केस पे क्या होगा, ग्रुप इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। आप वो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपना सूट लेवल पर कर रहा हूँ। सूट लेवल पर मैं देखो, अब सूट लेवल पर करने के लिए आपको जो जो ग्रुप का सिंटैक्स है, वो सबसे पहले हम लोग ग्रुप लिखते हैं। यहाँ पर ग्रुप हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ग्रुप एंड हो रहा है, ओके फ्रेंड्स। और उसके अंदर हमारा एक टैग आता है रन करके, ठीक है। रन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने ग्रुप का नाम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा सिंटैक्स है कि जो जो हम लोगों ने ग्रुप वहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, पर्टिकुलर टेस्ट केस को जो जो ग्रुप असाइन किया हुआ है, उस ग्रुप को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तभी तो उसको पता चलेगा कि हाँ भाई, आपने ये वाला ग्रुप इंक्लूड किया है, इस ग्रुप के अंदर ये वाला टेस्ट केस लाई करता है, तो मैं ये रन करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, रन होता है। अब जैसे मैंने ये सूट लेवल पर किया है, यहाँ पर देखो ये हमारा टेस्ट का सिंटैक्स। अगर मैं टेस्ट ऊपर लगा देता तो ये टेस्ट लेवल पर हो जाते, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो अभी मैंने टेस्ट को नीचे रखा है, और अभी ये सूट लेवल पर हमारा क्या हो रहा है, ग्रुप इम्प्लीमेंट हो रहा है, ओके फ्रेंड्स। तो ये है सिंटैक्स हमारा सूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों ग्रुप को इंक्लूड किया, ग्रुप ए ग्रुप बी, ठीक है। तो हम इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं ये कैसे चलता है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इसका आउटपुट कि ये कैसे ग्रुप रन हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रन एज अ टेस्ट एनजी स्वीट करता हूँ, ठीक है। तो अभी ये रन होगा, तो जो जो हमारे ग्रुप ए ग्रुप बी के अंदर मेथड लाई करेंगे, वो सारे हमारे क्या होंगे, रन होंगे, ठीक है। तो एक जो भी ग्रुप के अंदर आ रहा होगा, तो उसके अंदर क्या पता लॉन्च ब्राउज़र ये सारी चीज़ें आ रही होंगी, तो उसने वो वाला ग्रुप का जो फंक्शनलिटी है वो रन कर दी है, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने दोनों ग्रुप यहाँ पे इंक्लूड किए थे, ग्रुप ए ग्रुप बी। तो सबसे पहले अब इस वाली क्लास में देखते हैं, ठीक है। ग्रुप ए के अंदर हमारा ये वाला मेथड लाई करता है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ये वाला मेथड, ठीक है। यहाँ पे बिफोर ग्रुप, मतलब ग्रुप ए के रन होने से पहले हमारा ये वाला मेथड चल जाए, तो उसने जो भी हमारी क्रोम ड्राइवर की प्रॉपर्टीज़ हैं उसने सेट कर दी, ठीक है। उसके बाद ये वाला, उसके बाद जब जैसे उसने सेट कर दी, तो उसके बाद हमारा क्या चला, ये वाला भी ग्रुप ए के अंदर लाई करता है, ठीक है। ग्रुप ए के अंदर तो इसने ये वाला मैसेज शो कर दिया, देखो आउटपुट में हमारा ये वाला मैसेज भी आया होगा, ठीक है, डेमो ग्रुप फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब देखो ये वाला, उसके बाद ग्रुप ए के अंदर ये भी लाई करता है हमारा लॉन्च ब्राउज़र, तो उसने ब्राउज़र को क्या किया, लॉन्च किया। आपने देखा जैसे हम लोगों ने रन किया, तो ब्राउज़र लॉन्च हुआ, ये फेसबुक के यूआरएल पे गया, तीन, और ये हमारा वेट है, मैंने 3 सेकंड का वेट लगाया, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये हो गया ग्रुप ए। अब ग्रुप ए के अंदर हमारा ये भी लाई करता है कि आफ्टर ग्रुप जब ए चल जाए, उसके बाद हमारा ये भी ये हो, तो उसने क्विट भी कर दिया, ठीक है। तो ड्राइवर वहाँ पे हमारा ब्राउज़र क्या हो गया, बंद भी हो गया। अब हम दूसरी क्लास में देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, दोनों क्लास इंक्लूड किए हैं ना। अब दूसरी क्लास में देखते हैं ए और बी के। अब देखो, ग्रुप ए के अंदर हमारा ये वाला टेस्ट केस लाई करता है, दिस बिलोंग्स टू ग्रुप ए, तो इसने ये वाला मैसेज भी डिस्प्ले किया है कि दिस बिलोंग्स टू ग्रुप ए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बी वाला भी चला, ये वाला ग्रुप बी के अंदर आता है, तो ये ग्रुप बी वाला भी हमारा आउटपुट दिया है यहाँ पे, दिस बिलोंग्स टू ग्रुप बी, ठीक है। तो समझ गए ना फ्रेंड। तो इस तरीके से क्या होता है, ग्रुप हमारे क्या होते हैं, रन होते हैं। मतलब हम लोग ग्रुपिंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट केस को यूज़ कर सकते हैं और अपनी टेस्टिंग को बहुत ही एफिशिएंट बना सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आप जब आप किसी भी लाइव प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आपके बहुत सारे टेस्ट केसेज हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि ये टेस्ट केसेस कौन सी कौन सी टेस्टिंग आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टेस्ट केस को आप ग्रुप असाइन कर दो। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टेस्ट केस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मैंने एज अ रिग्रेशन टेस्ट टेस्ट किया या फिर एज अ सैनिटी टेस्ट, जो भी आपकी टेस्टिंग की टाइप हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सूट लेवल। अब देखो सूट लेवल पर कैसे हुआ, अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सूट लेवल पर इस टेस्ट केस को मैं अभी हटा रहा हूँ, ठीक है। इसमें सिंपली मैं ग्रुप ए कर रहा हूँ, ये आप देखना, सिंपली मैं इसको हटा रहा हूँ, नहीं, इसको नहीं, एक मिनट रुको, ये तो हमारा ब्राउज़र का लॉन्च है, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको जस्ट ये हटा रहा हूँ टेस्ट, ठीक है। ये हो गया, मैं एक बार इसको रन करता हूँ एक बार और। तो रन एज टेस्ट एनजी स्वीट, ठीक है, ये रन होगा प्रॉपर अपना, ठीक है, टेस्ट एनजी स्वीट रन हुआ। ठीक है, सब कुछ हो गया, सब चल गया अपना, ठीक है। अब देखो ग्रुप ए ग्रुप बी, ठीक है। अब मैंने देखो यहाँ से ग्रुप हटा दिया, तो ये नहीं चला, ठीक है, ये वाला मेथड नहीं चला, क्योंकि हमने कोई ग्रुप इंक्लूड ही नहीं किया। अब सूट लेवल पे देखो, अगर मैं सूट लेवल पे कर रहा हूँ, तो ये जो जो ग्रुप में इंक्लूड है सिर्फ वही चलाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, टेस्ट लेवल पे करता हूँ, एक बार आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ इसको टेस्ट लेवल पे, ठीक है, ठीक है। अब टेस्ट लेवल पे मतलब जहाँ जहाँ टेस्ट कीवर्ड होगा,
ठीक है, जो जो टेस्ट कीवर्ड होगा, जो जो ग्रुप ए ग्रुप बी के इंक्लूड होगा वो रन करेगा। ठीक है, ये देखो आप, एक मिनट, अब मैं इसको रन एस करता हूँ, रन एस टेस्ट एनजी स्वीट। ठीक है, ये क्रोम नेवर वो लॉन्च करेगा प्रॉपर। ठीक है, ग्रुप ए ग्रुप बी, ठीक है, लेकिन एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट, इसको सूट लेवल पे अगर मैं इसको करता हूँ तो इसको ये भी करना था। एक बार ग्रुप इंक्लूड किया मैंने टेस्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट, सूट लेवल बिफोर ग्रुप आफ्टर ग्रुप, ये चल गया अपना मैसेज। ओके ठीक है, तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने दोनों करके देख ली कि सूट लेवल पे क्या हो रहा है और टेस्ट लेवल पे क्या हो रहा है। लेकिन एक मिनट फ्रेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये सूट लेवल पे अगर मैं रन करूँगा इसको अब, एट द रेट टेस्ट, रन करेगा ग्रुप ए ग्रुप बी। ठीक है, जो भी हमारे इंक्लूड होंगे सूट लेवल पे वो ये रन कर देगा ग्रुप ए ग्रुप बी। ठीक है, अगर मैं इसको, मैंने कोई भी ग्रुप इसको असाइन नहीं किया तो ये नहीं चलाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो टेस्ट केस है वो रन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई भी ग्रुप असाइन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग फंक्शनैलिटी को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आपको, ठीक है, अब देखो क्या होता है फ्रेंड्स, एक होती है इसमें आप ग्रुप, अब वो एक फंक्शन, अब हाँ, अगर आपको क्या करना है, ग्रुप को एक्सक्लूड करना है, सपोज़ करो मेरे को सिर्फ ग्रुप ए वाले चाहिए, ग्रुप बी वाले नहीं चाहिए, तो उसके लिए सिंटैक्स होता है एक्सक्लूड, जैसे इंक्लूड है वैसे ही हमारा एक होता है सिंटैक्स एक्सक्लूड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सक्लूड नेम, अब यहाँ पे ग्रुप बी, अब जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रुप बी लिखूंगा तो जो ग्रुप बी वाले जो टेस्ट केसेज होंगे वो मैं क्या हो जाएंगे, मेरे एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक बार सेव करके रन करता हूँ, तो जितने भी ग्रुप बी वाले टेस्ट केस हैं वो रन नहीं करेगा, सिर्फ ग्रुप ए वाला करेगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया अपना, क्योंकि ये लॉन्च ब्राउज़र वाली जो फंक्शनलिटी है वो हमारी ग्रुप ए के अंदर लाई कर रही है, तो इस वजह से वो ग्रुप ए वाले को क्या करेगा, रन करेगा। ठीक है, तो दिस बिलोंग्स टू ग्रुप ए, ठीक है, एक तो हमारा ये मैसेज डिस्प्ले करेगा कि दिस बिलोंग्स टू ग्रुप ए, तो ये वाला मैसेज ने डिस्प्ले किया क्योंकि ये ग्रुप ए के अंदर लाई करा, और ये लॉन्च वाली चीज़ है कि ये बिफोर ग्रुप ए के, ग्रुप ए के चलने से पहले तो उसने लॉन्च किया, ये भी ग्रुप ए के अंदर है, ये आफ्टर ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से इसने पूरी ग्रुप की जो फंक्शनैलिटी है, जो भी ग्रुप ए के अंदर आ रहे हैं जो जो टेस्ट केस, वो उसने रन कर दिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नेस्टेड ग्रुप क्या होता है। नेस्ट मतलब आप ग्रुप को भी क्या, जैसे ये हमारे, अब मान लो बहुत सारे ग्रुप आपने डिफाइन कर दिए, तो ये जो ग्रुप हैं इस ग्रुप को भी क्या कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलर ग्रुप भी बना सकते हो। ठीक है, मतलब नेस्टेड ग्रुप, ग्रुप इनसाइड ग्रुप जिसको बोलते हैं। अब देखो वो कैसे बनाते हैं हम लोग, तो सपोज़ करो ये, इसको मैं हटाता हूँ अभी, देखो ये हमारा सिंटेक्स है, अब ये सिंटेक्स कैसे वर्क करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे सपोज़ करो हमारे दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप ए है एक ग्रुप बी है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं अपने प्रोग्राम, ग्रुप बी सी डी ई एफ जी, जितने भी आप बनाओ। ठीक है, तो अब क्या करना है, जैसे मान लो ग्रुप ए और बी, एज अ मान लो ये जो जो टेस्ट केसेज हैं वो हमारे एक रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ग्रुप वन की जगह रिग्रेशन कर दिया कि भाई ये रिग्रेशन के अंदर आते हैं ये दोनों टेस्ट केसेज, जिन टेस्ट केस के जो टेस्ट केस हमारे ग्रुप ए ग्रुप बी के अंदर लाई करते हैं वो टेस्ट केस मेरे रिग्रेशन के अंदर आते हैं, तो मैंने ग्रुप को भी क्या कर दिया, एक इन दोनों ग्रुप के लिए भी एक पर्टिकुलर ग्रुप आइडेंटिफाई कर दिया कि ये दोनों ग्रुप हैं वो मेरे रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, असाइन कर दिया। अब इसको रन करने के लिए जो सिंटैक्स है हमारा, तो सबसे पहले मैंने ग्रुप को आइडेंटिफाई कर दिया, ये ग्रुप डिफाइन कर दिया मैंने यहाँ पे कि भाई ये वाला ग्रुप है हमारा, इस ग्रुप के अंदर हमारे ये दोनों ग्रुप आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैं उस ग्रुप को क्या करूँगा, रन करूँगा, ये वाला जो ग्रुप है रेग वाला जो मैंने लिखा है एज अ रिग्रेशन, तो इसको आपको कहाँ लिखना है, रन वाले टैग के अंदर लिखना है। ओके फ्रेंड, तो इसको मैं सेव करता हूँ, अब अपन चला के देखते हैं, तो ये सेम चलेगा, जो जो हमारे टेस्ट केस ग्रुप ए ग्रुप बी के अंदर आएंगे वही टेस्ट केस क्या होंगे, रन होंगे। तो रन एस टेस्ट एनजी स्वीट, ठीक है, देखो तो ये रन होगा, ठीक है प्रॉपर, जस्ट गिव मी अ मिनट, इसने फेल क्यों किया देखते हैं। ये हो गया ग्रुप ए ग्रुप बी, डिफाइन नेम, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रुप, रन कमांड हो गई हमारी। ठीक है, रैग इंक्लूड नेम हो गया हमारा, क्योंकि हमें ये वाला ग्रुप बनाया था हम लोगों ने रिग्रेशन नाम से, तो ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, टेस्ट एनजी स्वीट,
या फिर हम लोगों ने कोई सिंटैक्स गलत लिखा होगा। एक मिनट मैं इस टेस्ट के इसको ऊपर करता हूँ, ये हो गया अपना। अब मैं इसको करता हूँ रन एस टेस्ट एन जी स्वीट। ओके फ्रेंड्स, ओके तो ये रन हो गया। तो मतलब अब हम लोगों को एक बात और समझ में आई, जब हम ग्रुप को कि जब हम नेस्टेड ग्रुप फंक्शनलिटी यूज़ करते हैं तो वो सूट लेवल पे वर्क नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे उससे पहले, हम लोग सूट लेवल पे रन कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़, ये इस चीज़ को भी आप ध्यान रखो कि जब हम नेस्टेड ग्रुप का यूज़ करते हैं, मीन्स ग्रुप इनसाइड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर हमने नया ग्रुप को डिफाइन किया, उसके अंदर हमारे जो जो भी ग्रुप हमने डिफाइन किए हैं, मतलब जो भी टेस्ट केस हमारे इन दोनों ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, तो ये सिर्फ टेस्ट लेवल पे वर्क करेंगे, ना कि सूट लेवल पे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट एनजी जो फ्रेमवर्क है उसमें हम लोग ग्रुप का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ को लेकर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।